नमस्कार एस जयशंकर, अब तक के सबसे शानदार विदेश मंत्री और दुनिया के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री। इन्होंने एक लाइन में अमेरिका और कनाडा दोनों को एक साथ करारा जवाब दे दिया। सिर्फ कहा एक लाइन, लेकिन उसका जो समरी है वह यह है, वही गालिब का शेर, धूल चेहरे पर लगी थी आईना साफ करता रहा। यही चीज उन्होंने कहा, हम सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसके पहले कनाडा के बारे में सवाल पूछने से पहले ही इसने अमेरिका और कनाडा दोनों को जवाब दे दिया। जवाब तो पहले ही दे दिया, प्रश्न तुम पूछते रहो। जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की मुलाकात होगी। अब तक तो कोई कनाडा पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत जब होगी वो जो जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब पहले से तैयार है और पहले से दे दिया गया। वह सवाल अब सोच रहे हैं क्या पूछेंगे, लेकिन भारत ने पहले ही जवाब दे दिया सवाल पूछने से पहले। अरे जितनी भी होशियारी अमेरिका अपने आप को समझता है ना, उनकी होशियारी जहाँ खत्म होती है जहाँ भारत की शुरू होती है। भारत तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम्हारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। तो तुम सवाल पूछेगे, ये अमेरिका क्या सवाल पूछेगा उसके पहले ही ये जानते हैं क्या सवाल पूछने वाला है, इसलिए पहले ही जवाब दे दिया और ऐसा तमाचा मारा कि ये कराह रहे हैं। यूएस तड़प रहा है और कनाडा भी तड़प रहा है, दोनों को तड़पा दिया एक लाइन से। तो इसने क्या कहा और इसका अंदर का मतलब क्या है ये अमेरिका जानता है। अमेरिका समझ गया ये किस व्यक्ति से पाला पड़ा है। इन्होंने ऐसा एक करारा लाइन कहा यूएन जनरल असेंबली में, ये सबको समझ में आ गया कि भारत क्या लोहा है। भारत का लोहा सब मान चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो हमारे सलाम इस शानदार विदेश मंत्री, इस बहुत से काबिल व्यक्ति को जिसने ऐसा जवाब दिया, पूरे दुनिया को सुना दिया, भाई अमेरिका को पूछने दो, कनाडा को पूछने दो, हम सवाल का जवाब यही है, पूरे सवाल का जवाब यही है। तो इन्होंने क्या कहा सुनते हैं। नो मस्ट वी काउंटेनेंस दैट पॉलिटिकल कन्वीनियंस डिटरमिन्स रिस्पॉन्सेस टू टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. ये क्या कह रहे हैं? ये आप अपनी राजनीतिक सहूलियत या राजनीतिक सुविधा से काम नहीं कर सकते। जो कनाडा कर रहा है, आप उनके यहाँ वोट है, अब ट्रूडो के यहाँ वोट है, वह वोट पाने के चक्कर में यह कर रहा है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी राजनीतिक फायदे के अनुसार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं बनते। जो पॉलिटिक्स करना है अपने कंट्री के अंदर करो, अपने देश के अंदर जितना पॉलिटिक्स करना है करो, अपने देश के अंदर जितना पॉलिटिक्स करना है, जितना झूठ बोलना है वो बोल लो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजनीतिक सुविधा के लिए, अपनी वोट और चुनाव की सुविधा के लिए ये ऐसे रिश्ते बनते नहीं है कि झूठ बोलते रहो, किसी दूसरे देश पर झूठ बोलो, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं बनते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी राजनीतिक सहूलियत के अनुसार झूठ नहीं बोल सकते। ये कनाडा को तो तमाचा है, लेकिन अमेरिका को भी तमाचा है। क्यों तमाचा है? तुमने वही काम किया था, पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, वहाँ पर सद्दाम हुसैन को मारा था, तो ये तुमने क्या किया? तुमने भी अपना राजनीतिक फायदा के लिए वही किया, तुमने तो वही किया। तो भारत ने जो नहीं किया उस पर तुम सवाल उठा रहे हो और तुम खुद वही कर रहे हो। अमेरिका ने तो वही किया, ओसामा बिन लादेन के बारे में वही किया, सद्दाम हुसैन के बारे में वही किया। जब तुम खुद वही काम कर रहे हो अपनी चुनावी सुविधा के लिए, तो हमने तो किया ही नहीं भाई, हमको हमारा निज्जर से कोई मतलब ही नहीं है। वो कनाडा झूठ बोल रहा है अपने चुनावी फायदे के लिए और उस पर अमेरिका क्या सवाल करेगा?
यही ये कह रहे हैं, और ये दोनों का ऐसा करारा तमाचा मारा है, दोनों को समझ में आ गया, कनाडा को भी समझ में आ गया और अमेरिका को भी समझ में आ गया, भारत का लोहा, ये जो भी पूछेंगे सवाल यही होगा, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत पर अंगुली मत उठाओ, भारत पर अंगुली उठाने की जरूरत मत करो, तुम्हारा चुनावी फायदा क्या है ये अपने जगह पर है, तो अपने देश में झूठ बोलो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर अंगुली मत उठाओ, अपने चुनावी फायदे के लिए यही कह रहे हैं, और यह अमेरिका और कनाडा दोनों को तमाचा मारा है। इसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पास कनाडा के पास सबूत है तो वो दिखाएं, अब क्या दिखाएगा, उसके पास कोई सबूत है ही नहीं, कनाडा के पास कोई सबूत है ही नहीं, रादर अभी जो नया वीडियो आया है उसमें पूरा साफ दिख रहा है, यह दोनों गैंग वॉर है, दोनों गैंग हैं, दोनों आतंकवादी के गैंग हैं, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मारा है, अभी तो वीडियो आ गया, दोनों गाड़ी कैसे जा रहे थे, अपनी लेन पलट कर किस तरह से वो गाड़ी ने निज्जर के गाड़ी का रास्ता रोका, कैसे दो नकाबपोश आए, वो सिख थे, वह कैसे अंधाधुन गोली चलाई, इतनी गोलियां गोलियां पर गोलियां पूर्व बरसात हो गई, उसमें से कुछ गोलियां लगी कुछ गोलियां नहीं लगी, अब तो ये पूरा वीडियो आ गया, अब तो ये एक गैंग का दूसरे गैंग के साथ पूरा युद्ध है, अब ये कनाडा क्या सबूत दिखाएगा, इसके पास तो सबूत है नहीं, अरे ये तो सबूत का स्पेलिंग भी नहीं जानता, ये है कनाडा के हालत, और अमेरिका उस पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहा है ठीक है हम देखेंगे बात करेंगे, अरे बात क्या करेगा तुम्हारा तो खुद अपना रिकॉर्ड ही खराब है। तो यही जयशंकर ने उनको तमाचा मारा, उनको आईना दिखा दिया कि धूल तुम्हारे चेहरे पर लगी थी, भारत का आईना साफ मत करो, उससे कुछ साफ नहीं होगा, भारत का आईना तो साफ है, जो धूल लगे हैं तुम्हारे चेहरे पर उनको साफ करो। हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।